friends, today we are not waiting for you to come to sports. We are taking sports to youth. साथियों, खेलो इंडिया जैसे अभियान गांव, गरीब, आदिवासी और लोअर मिडिल क्लास परिवारों के युवाओं के सपने साकार कर रहे हैं। आज जब हम वोकल फॉर लोकल कहते हैं तो इसमें स्पोर्टिंग टैलेंट भी शामिल है। आज हम लोकल लेवल पर खिलाड़ियों के लिए बेहतरीन सुविधाएं और अच्छे कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इससे उन्हें इंटरनेशनल लेवल का एक्सपोजर मिलता है। बीते 10 वर्षों में ऐसे अनेक इंटरनेशनल टूर्नामेंट हमने पहली बार भारत में आयोजित किए। आप कल्पना कर सकते हैं, देश की इतनी बड़ी कोस्टलाइन है, इतने सारे बीचेज हैं, लेकिन अब जाकर पहली बार दीव में बीच गेम्स का आयोजन हुआ है। इन गेम्स में मलखम जैसे पारंपरिक भारतीय खेलों के साथ साथ 8 स्पोर्ट्स, 8 स्पोर्ट्स शामिल थे। देश भर के 1600 एथलीट ने इनमें कम्पीट किया। इससे भारत में बीच गेम्स और स्पोर्ट्स टूरिज्म का एक नया चैप्टर शुरू हुआ है। इससे हमारी कोस्टल सिटीज को बहुत लाभ होने वाला है। साथियों, हमारे यंग एथलीट्स को इंटरनेशनल एक्सपोजर मिले और भारत ग्लोबल स्पोर्ट्स इकोसिस्टम का अहम केंद्र बने, ये हमारा संकल्प है। इसलिए हम 2029 में यूथ ओलंपिक्स और 2036 में ओलंपिक गेम्स भारत में कराने के लिए पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि स्पोर्ट्स सिर्फ मैदान तक सीमित नहीं है, बल्कि स्पोर्ट्स अपने आप में एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है। इसमें युवाओं के लिए रोजगार की अनेक संभावनाएं हैं। मैंने आने वाले 5 वर्षों में भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनाने की गारंटी दी है। इस गारंटी में स्पोर्ट्स इकोनॉमी की हिस्सेदारी भी बढ़े, यह हमारा प्रयास है। इसलिए बीते 10 वर्षों से हम स्पोर्ट्स से जुड़े अन्य सेक्टर्स का भी विकास कर रहे हैं। आज देश में स्पोर्ट्स से जुड़े प्रोफेशनल तैयार करने के लिए स्किल डेवलपमेंट पर बल दिया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम स्पोर्ट्स इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज से जुड़ा इकोसिस्टम विकसित कर रहे हैं। देश में स्पोर्ट्स साइंस, इनोवेशन, मैन्युफैक्चरिंग, स्पोर्ट्स कोचिंग, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, इससे जुड़े प्रोफेशनल्स को हम प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। बीते वर्षों में देश को पहली नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मिली। आज खेलो इंडिया अभियान से देश की 300 से ज्यादा प्रतिष्ठित एकेडमीज बन चुकी है। 1000 खेलो इंडिया सेंटर्स और 30 से ज्यादा सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस जुड़े हुए हैं। देश की नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में हमने स्पोर्ट्स को मुख्य करिकुलम का हिस्सा बनाया है। इससे स्पोर्ट्स को एक करियर के रूप में चुनने का एक जागरूकता बचपन में ही आ रही है।